अगर आप भी RBL बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो RBL माई कार्ड ऐप को कैसे सेटअप करेंगे और कैसे इंस्टॉल करेंगे और क्या प्रोसेस है इंस्टॉल करने का, तो आज के इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताएंगे कि RBL माई कार्ड ऐप जो है उसे कैसे सेटअप किया जाता है और कैसे इंस्टॉल किया जाता है और क्या प्रोसेस इंस्टॉल करने का और उसमें क्या क्या जरूरत पड़ेगा जब इंस्टॉल करेंगे या सेटअप करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कि RBL माई कार्ड ऐप जो है उसे कैसे सेटअप किया जाता है और क्या प्रोसेस है। तो गाइस देखिए मोबाइल के स्क्रीन पे आ गए, यहाँ से भी आपको जो है RBL माई कार्ड एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। तो यहाँ पे टाइप कर लेते हैं RBL माई कार्ड। अब यहाँ पे देखिए RBL माई कार्ड का ऑप्शन आ गया यहाँ पे, अब इसको जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। तो ये RBL माई कार्ड जो है इंस्टॉल हो चुका है, अब ओपन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे ओके का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, इसको ओके करेंगे, उसके बाद एग्री करेंगे। बाकी जो पढ़ने का वो बाद में आप पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं। फिर से एग्री करेंगे, अलाउ करेंगे, उसके बाद इसको स्किप करेंगे, स्किप करेंगे, स्किप करेंगे, और यहाँ पे जो है आपको कार्ड डिटेल्स फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेन जो है आ गया है, कार्ड डिटेल्स को फिल करना पड़ेगा। तो कार्ड मेरा, तो यहाँ पे कार्ड डिटेल्स को फिल कर लेते हैं और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। और यहाँ पे एनेबल टच आईडी पे क्लिक, पहले से क्लिक है, रजिस्टर्ड का ऑप्शन दिख रहा है, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे OTP आएगा, OTP ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद प्रोसीड का ऑप्शन दिख रहा है, प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे परमिशन मांगा जा रहा है मैंडेटरी के लिए, तो अलाउ करेंगे, अलाउ करेंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका कौन सा सिम में जो है आपका रजिस्टर्ड सिम मतलब नंबर है, तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट वाला है, इस पर क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो मे भी मैसेज नहीं जाएगा क्योंकि मैंने रिचार्ज नहीं कराया, तो मुझे अभी रिचार्ज करना पड़ेगा, तो मैं फटाफट रिचार्ज कर लेता हूँ। तो गाइज मैंने रिचार्ज करा लिया है, अब यहाँ पे जो है सेलेक्ट, क्लिक टू सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे मैसेज जाएगा, वेरीफाई होगा, यू आर ऑन योर वे टू अवेसम्स हैंग इन देयर, डोंट लीव दिस स्क्रीन, मतलब इस स्क्रीन को लीव नहीं करना, मतलब क्लोज नहीं करना है। ठीक है, तो जो भी होगा यहीं पे होगा। तो मोबाइल सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया, अब ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको 6 डिजिट का जो है पिन सेटअप कर लेना, तो आप अपने अकॉर्डिंग पिन को सेटअप कर ले। तो मैं पिन जो डाल रहा हूँ आप देखेगा मत, तो मैंने पिन भी डाल दिया। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ सेट MPIN, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ MPIN सेट सक्सेसफुली, अब यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन था, लॉगिन मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे पिन डालना है या फिर इस पे डालना है, तो यहाँ पे आपका जो भी, अगर आपने पिन डाला तो पिन डाल के इसको लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए, तो ये पहली बार ओपन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्री का ऑप्शन दिख रहा है और यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा हुआ, नेवर शेयर योर डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड नंबर, OTP, माई कार्ड ऐप पिन, पैन नंबर, ये सब कभी भी जो है आप किसी को ना बताएं। ठीक है, और आई एग्री पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक्सप्लोर करना चाहते हैं, मींस और कुछ देखना चाहते हैं इसके बारे में, तो देख सकते हैं या फिर स्किप पे क्लिक कर दे, लेकिन मैं एक्सप्लोर करता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ क्या क्या देगा। तो यहाँ पे 1% कैशबैक आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो मुझे क्रेडिट कार्ड मिला वो पैसा बाजार की तरफ से मुझे जो है क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया गया, तो पैसा बाजार ड्यूट क्रेडिट कार्ड है, मतलब RBL बैंक ने दिया है बट पैसा बाजार के थ्रू से मिला है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को भी बंद रखते हैं और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को इनेबल रखते हैं। यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए मैसेज भी आ गया कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे फिर से बोला जा रहा है, वी रिकमेंडेड यू टू सेट 4-digit PIN फॉर योर चॉइस फॉर योर पैसा बाजार ड्यूएट, इस पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे 4-digit का जो है पिन सेटअप कर लेते हैं, तो पिन जो सेटअप कर रहे हैं वो दिखेगा नहीं। अब यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे फिर से OTP आएगा, फिर से ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे चेंज कार्ड पिन का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर दिए। यहाँ पे पिन चेंज सक्सेसफुली लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए मेरा डिटेल सारा कुछ शो कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज भी आ गया कि आपका पिन चेंज हो चुका है। और यहाँ पे देखिए मेरा माइनस में 11 रुपए है, मींस मैंने जो ओवर पे कर दिया है, ठीक है, इस कारण से मेरा 11 रुपए माइनस में दिखा रहा है, लेकिन लिमिट जो है 2.5 लाख रुपए है। ठीक है, और इस तरह से जो है कार्ड का डिटेल्स आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पैसा बाजार ड्यूट क्रेडिट कार्ड है, बट ऊपर में RBL बैंक है, तो RBL बैंक की तरफ से है बट पैसा बाजार के थ्रू से मुझे मिला है। और यहाँ पे देखिए अकाउंट डिटेल्स पे क्लिक करते हैं, मीन्स अकाउंट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आप जो है टोटल कैश लिमिट जो है मुझे दिया गया है 70,000, मतलब कैश निकाल सकते हैं 70,000 तक, और 2.5 लाख का लिमिट है। ठीक है, और पिन वगैरह चेंज तो कर ही दिए यहाँ पे, और यहाँ से भी आप पिन को चेंज कर सकते हैं। तो कहाँ से चेंज करेंगे, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, सेटिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अभी क्लिक नहीं हो रहा है, मैं दोबारा अभी क्लिक करता हूँ। यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, मतलब कुछ इशू है, अभी ओपन नहीं हो रहा है, बाद में ये ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जब क्रेडिट कार्ड मेरे पास आया था उसी टाइम ये पेमेंट हुआ था, क्रेडिट एप्लीकेशन के माध्यम से ट्राई कर रहा था पेमेंट करके, पेमेंट हो जा रहा था। ठीक है, बट विड्रॉ नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने जो है माई कार्ड ऐप को इंस्टॉल नहीं किया था, इस कारण से नहीं हो रहा था। और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं आपका स्टेटमेंट वगैरह कि आपने क्या ट्रांजेक्शन किया, अनबिल्ड अमाउंट, यहाँ पे मैंने 11 रुपए का पेमेंट किया था। ठीक है, और पेमेंट हिस्ट्री, आपने कितना बार पेमेंट किया था, मैंने 2 बार पेमेंट किया है, और अनबिल्ड अमाउंट है, लेटेस्ट स्टेटमेंट यहाँ पे शो कर जाएगा। और यहाँ पे आप मंथली वाइज भी चेक कर सकते हैं,
हैं स्टेटमेंट डेबिट क्रेडिट जो भी ऑल ट्रांजेक्शन जो भी यहाँ पे चेक करना चाहते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे पास्ट स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे तो पास्ट स्टेटमेंट शो करेगा। बट मेरा अभी तो मतलब मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ तो ज्यादा कुछ यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुआ नहीं है, ठीक है। और अगर आपने मीन्स बड़ा अमाउंट का ट्रांजेक्शन किया तो यहाँ से कन्वर्ट टू ईएमआई में क्लिक करके आप कन्वर्ट कर सकते हैं ईएमआई में। और यहाँ से अगर कोई ऑफर रहेगा तो यहाँ पे कार्ड ऑफर पे शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे अभी जो है देखिए इतना सारा ऑफर शो कर रहा है, बट ये सब ऑफर कोई काम का नहीं है। मैं हमेशा यूज करता हूँ, मेरे पास दूसरा क्रेडिट कार्ड है जो 35,000 लिमिट है मेरे क्रेडिट कार्ड का, इसमें मुझे 2.5 लाख का लिमिट मिला है। और इसमें जो है ऑफर एंड रिवॉर्ड्स का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे 1% कैशबैक ऑन ऑल परचेस, मतलब 1% मुझे कैशबैक मिल जाएगा कोई भी परचेस पे, ठीक है। रिवॉर्ड्स अभी फिलहाल तो यूज नहीं हुआ है। सेविंग, यहाँ सेविंग पे भी कुछ नहीं शो कर रहा है। तो इस तरह से जो है आप RBL माई कार्ड ऐप को इंस्टॉल करके सेटअप कर सकते हैं, और यही प्रोसेस है सेटअप करने का। तो आज की वीडियो में मैंने बता दिया कि RBL माई कार्ड ऐप को कैसे सेटअप किया जाता है और कैसे रजिस्टर किया जाता है और क्या प्रोसेस था। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।